वेलकम ऑल टू माई चैनल रेडिकोट एकेडमी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीयूसेट एग्जामिनेशन 2020 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, कब हुआ था? इस एग्जामिनेशन हुआ था 18 सितंबर टू 20 सितंबर। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, अक्टूबर 17 2020 और रिजल्ट जो स्कोर है, स्कोर कार्ड है, वो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, क्लिक हियर टू व्यू स्कोर कार्ड। आप जैसे देख सकते हैं, या ये CUSET.exam.in ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो रिजल्ट वो आज जारी कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की एक बटन है, क्लिक टू व्यू स्कोर कार्ड। ठीक है, आप इस साइट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक दूसरी वेबसाइट, इसकी वेबसाइट खुलेगा जहाँ से आप कौन सी एग्ज़ाम दिया था। CUSET एग्ज़ाम के तीन कैटेगरी है, CUSET एग्ज़ाम के तीन कैटेगरी, जिसका फर्स्ट कैटेगरी है UG इंटीग्रेटेड मास्टर्स एलिजिबिलिटी 10+2, सेकंड कैटेगरी है PG मास्टर्स एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन, एंड थर्ड कैटेगरी है RP यानी फॉर MPhil PhD एलिजिबिलिटी PG कोर्स। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम, उसका जो रिजल्ट वो आज जारी कर दिया है। आप कोई भी सिलेक्ट करिए, मैंने PG MPhil सिलेक्ट किया है। ठीक है, इसका सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे, आपका आपका बर्थ डेट डालेंगे। ठीक है, बर्थ डेट जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो डालेंगे। यहाँ पे वेरीफाई इसका जो वेरीफिकेशन कोड यहाँ पे डालेंगे और लॉग इन कर देंगे तो आपका रिजल्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है CUSET.exam.in, और इसका आप स्कोर कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका इस साइट खुल जाएगा। ये आपसे आप रोल नंबर और बर्थ डेट डाल करके, वेरिफिकेशन कोड डाल करके, आप लॉग इन करके आपका जो स्कोर कार्ड है वो देख सकते हैं। ठीक, तो जल्दी से जाइए, आपका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो आ चुका है। CUSET.exam.2020 होल इंडिया में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो रिक्रूटमेंट होता है और एडमिशन टेस्ट होता है उसका साइट है ये। ठीक है, इसका एग्ज़ाम हुआ था 18 सितंबर टू 20 सितंबर, उसका रिजल्ट 17 अक्टूबर को जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं, या फिर व्यू स्कोर कार्ड या फिर क्लिक करेंगे तो इस साइट में जाएंगे, आप कौन सा एग्ज़ाम दिया था, UG दिया था, PG दिया था, या MPhil PhD दिया था, इसका कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड वेरीफिकेशन कोड डालेंगे, लॉग इन करेंगे तो आपका शो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हो एडमिशन रिलेटेड, एडमिशन हो रिलेटेड, रिक्रूटमेंट हो, ठीक है, उसका जो इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको पहले ही हम नोटिफाई कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।